हम एक गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये अंडर बजट लैपटॉप है। अगर आप 60,000 से बिलो लैपटॉप लेना चाहते हैं, गेमिंग लैपटॉप और एक पावरफुल लैपटॉप, तो HP की पवेलियन सीरीज में ये जो मॉडल है ये सबसे यूनिक आपको पड़ेगा। आप किसी भी ब्रांड के अंदर चले जाइए, इससे सस्ता और पावरफुल लैपटॉप आपको किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहले आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। जैसा कि हम इसकी मॉडल नंबर की बात करते हैं, तो ये HP पवेलियन गेमिंग लैपटॉप EC2008AX। दोस्तों, इस लैपटॉप में राइजन की 5600 सीरीज का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड में होगा और टर्बो बूस्ट स्पीड जो होगी वो 4.2 GHz आएगी। 8 GB रैम होगी, 512 GB की SSD आएगी, फुल HD IPS पैनल 300 nit और 144 Hz है। ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो 4 GB का GTX 1650 ग्राफिक कार्ड है और 52.5 W का आपको लिथियम आयन 3-cell बैटरी मिलेगी। अगर आप किसी भी ब्रांड में आज की डेट में देखते हैं तो बिलो 60,000 और ये कॉन्फ़िगरेशन कोई भी ब्रांड मैच नहीं कर सकता, कोई भी ब्रांड ये लैपटॉप मैच नहीं कर सकता। आप अगर आप HP के अंदर लेना चाहते हैं तो विक्टस भी इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने देखा, इस मॉडल को हम देखेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर राइजन का 5600 सीरीज प्रोसेसर है, जो कि राइजन की तरफ से लेटेस्ट है। प्लस डिस्प्ले काफ़ी अच्छी मुझे लगी, इसमें 300 nit डिस्प्ले आपको मिल रही है, 144 Hz है, विंडो 11 मिलेगा, MS Office 2021 का सपोर्ट मिलेगा। अगर हम आज के डेट में इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो 58,500 के आसपास प्राइसिंग है। अगर हम HP का करंट ऑफर लगाएंगे तो आपको SBI और ICI के क्रेडिट कार्ड पे 5% मैक्सिमम 5,000 का कैशबैक आपको मिलेगा। तो अप्रॉक्स जो इसका बजट जाएगा वो 55,000 के अंदर आपको ये लैपटॉप मिलेगा। और इस कॉन्फ़िगरेशन में आप ASUS TUF Gaming, Lenovo Legion 5, HP में Victus और Acer के अंदर Nitro सीरीज भी ये कॉन्फ़िगरेशन और ये स्पेक्स आपको मैच ही नहीं करा सकते। जैसा कि HP की ट्रेडिशनल सीरीज में हम देखते हैं, तो इसके अंदर पवेलियन ये गेमिंग लैपटॉप है, आपको इसमें विंड काफ़ी अच्छी मिलती है। अपर ग्रिप की बात करते हैं तो फ्लिकिंग 0% मिलेगी आपको, इसमें ब्लू लाइट पर्पल कीबोर्ड मिलेगी। फ्रंट पैनल की बात करेंगे तो फ्रंट पैनल में आपको राइजन का 5000 सीरीज का स्टिकर, MS Office 2021 का स्टिकर, GTX 1650 ग्राफिक कार्ड प्लस 144 हर्ट्ज की ब्रांडिंग मिलेगी। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको HP का सपोर्ट नंबर मिल जाएगा। पोर्ट अलाइनमेंट की भी बात कर लेते हैं। अगर हम पोर्ट अलाइनमेंट देखेंगे तो HDMI टाइप ए, USB, आपको ईथरनेट पोर्ट और आपको टाइप सी पोर्ट भी यहाँ मिल रहा है, कार्ड रीडर और साउंड इन का ऑप्शन यहाँ मिलता है। दूसरी तरफ आपको USB टाइप ए मिलेगा, जो कि स्लीप मोड चार्जर भी सपोर्ट करता है और 65 W का 45 W का चार्जर है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, HP के अंदर या किसी ब्रांड के अंदर अगर आप 60,000 नीचे के बजट में जाते हैं तो आज की डेट में आपको कोई भी ब्रांड ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मैच करा सकता। दोस्तों, इस लैपटॉप की मुझे जो सबसे अच्छी खासियत लगी वो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, जो 300 nit एक गेमिंग लैपटॉप में आपको और अंडर 60,000 बजट में ही आपको मिल रही है, और 144 Hz। सबसे अच्छा जो मुझे लगा इसमें प्लस MS Office 2021 का सपोर्ट, ये काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं, आप किसी भी ब्रांड में ये मैच नहीं कर सकते हैं। आप इस लैपटॉप को लीजिए, 55,000 के बजट में ये लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि YouTube पे कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गेमिंग सीरीज के अंदर कोई बजट लैपटॉप, तो लास्ट ईयर अगर इस मॉडल की बात करते हैं तो ये 62,000-65,000 का था। अभी HP का सेल चल रहा है, जिसके अंदर जो इसकी बजट HP का सेल चल रहा है, तो HP के सेल में लैपटॉप आपको काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है। अभी जो इसकी प्राइसिंग है 58,500 और 5% कैशबैक लगा के मैक्सिमम 5,000 है, आपको ये आपको 55,000 के आसपास कॉस्ट करेगा। तो इस समय गेमिंग लैपटॉप लेने का सबसे अच्छा टाइम है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि आप जितना जल्दी हो सके इस लैपटॉप को बाय कीजिए, और अगर आपको हमसे बाय करना है तो HP1 मुखर्जी नगर में आइए और हम आपको ये लैपटॉप अच्छे डिस्काउंट पे देंगे। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए, भूलिएगा मत, क्योंकि भूल जाते हो आप लोग वीडियो देख के।